अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी के लड्डू। चलिए अब हम मिलके बनाते हैं बेसन और सूजी के लड्डू। देखिए इनमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। आज हम लोग बनाएंगे बेसन के और सूजी के लड्डू। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए घी एक प्याली, उसके साथ साथ हमें चाहिए सूजी एक प्याली। सूजी को मैंने छान लिया है। इसके साथ चाहिए मुझे इलायची का पाउडर पिसा हुआ। इसके साथ साथ मैंने छिलकों के साथ की क्योंकि थोड़ा सा इसका ना एसेंस अच्छा आता है। उसके साथ साथ मैंने बेसन लिया है, बेसन को भी मैंने छान लिया है क्योंकि इसलिए ताकि गुठलियाँ ना बने जब हम बनाएं। उसके साथ मैंने 1.5 कप थोड़ा सा मतलब 1 कप उससे थोड़ा सा ऊपर ली चीनी पिसी हुई, उसको पीस लिया। उसके साथ साथ हम ऊपर अंदर डालेंगे बादाम पिस्ते ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। और मैंने साबुत भी कुछ रखे हैं ऊपर उसके लिए डेकोरेशन के लिए। और ये है जर्दे का रंग उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम केवड़े भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इलायची क्योंकि डाल रही हूँ इसलिए मैं केवड़े को नहीं ले रही। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए सूजी और बेसन के लड्डू बनाने के लिए। कुकिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया है फ्राई पैन। फ्लेम देख लीजिए मैंने ऑन कर लीजिए है। उसके साथ साथ मैंने रखा फ्राई पैन। फ्राई पैन के अंदर मैं डालूंगी घी आपको जो मैंने बताया 1 कप, ठीक है। थोड़ा सा मैं रोक लेती हूँ ताकि फिर हम लोग बाकी इसको देख लें। उसके साथ साथ अब मैं सबसे पहले करूँगी भुनाई अपने बेसन की। थोड़ा सा घी हमारा गर्म हो जाए उसके साथ साथ मैं ये डाल दूँगी बेसन 1 कप बेसन जिसको मैंने छान लिया था ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने, ठीक है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारे जो बेसन है वो पूरा भुनाई की तरफ आ जाए। हाँ, तो ये देखिए ये हमारा जो बेसन है ये हमारा भुनता जा रहा है। इसको बिल्कुल देख लीजिए आप, ये देखिए कि आप अपनी वो जो फ्लेम है वो कितने आपको स्लो रखते हैं क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये हमारा जो बेसन है वो जल सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये सारा भूनते जाएंगे। अब इसके साथ साथ ही थोड़ा सा इसने अपना कलर चेंज किया है तो मैं इसके अंदर डालूंगी ये सूजी 1 कप। सूजी को भी मैंने छान लिया था और उसके साथ साथ ताकि भुनाई हमारी साथ दोनों चीज़ों की हो जाए, ठीक है। तेज़ फ्लेम पे नहीं करना वरना फौरन बेसन हमारा लगना शुरू हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इस पे घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी। ये मैंने इसको आपको तभी एक बताया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बुनाई के दौरान। अच्छा, इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया ताकि मेरा लगे भी नहीं और मेरी बुनाई भी अच्छी तरीके से हो। देखिए अब ये थोड़ा हमारा ब्राउनिश की तरफ आता जा रहा है। इस स्टेज पे जो भी हमारा बेकी ये स्टेज है तो मैं क्या करूँगी, हमारी जो इलायची पाउडर है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, ताकि हमारी जो खुशबू है वो बिल्कुल हमारे हर चीज़ में प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ इसी स्टेज पे आपको चलाते रहना चम्मच। हाँ, तो अब मैं इसमें हल्का सा डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा जल्दे करवा थोड़ा सा जो हमारे लड्डू का कलर है उसका येलोइश टाइप आ जाए। अच्छा, इसको भी मैं डिपेंड करता हूँ आपको कि आपको कितना डालना है। आपको येलो कलर के बनाने हैं थोड़ा सा जल्दी गर्म पानी भिगो के रख लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी और डालूँगी, जब आपके जो बेसन है उसकी जब ऐसी पोजीशन हो जाए इतना ऐसे हो जाए कलर इसका सारा हमारा एक एक्चा हो जाए तो इसको हम करेंगे स्प्रेड अपने केक के ऊपर। और फिर उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब ये ऐसा हो जाएगा हमारी कंडीशन तो हम उसको स्प्रेड करेंगे और उसी के ऊपर फिर हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे वो और चीनी हम अपने ठंडा करने के बाद ऐड करेंगे, वरना ये सारा हमारा शीरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको इस पोजीशन पर ला के ट्रे पर ला के ठंडा करेंगे। बेसन और सूजी का इसके अंदर हमने जर्दे का रंग इलायची पाउडर डाल के इसको भुनाई की थी। क्या करूँगी हमारे चेहरा कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। सारा मैंने क्लियर कर दिया, वैसे कितने मैं सारा बना दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं जी अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1/2 कप, ठीक है। चीनी को ऐसे हम ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल एक जान होते जाए और चीनी हमारी बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड करूँगी
ड्राई फ्रूट्स, और ये जो बाकी मैंने रखे हैं ये मैं रखूँगी अपने ऊपर से स्प्रेड करने के लिए। देखिए हम इसको इस तरह से अपने चीनी को, और क्योंकि ये गर्म बहुत है तो इस वजह से स्पून से ही कर रही हूँ, लेकिन जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो वैसे ही हमें अपने हैंड्स को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारा मैं अभी एक चांग कर रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे घी भी रखा हुआ है, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमें हाथ अपने लगाना पड़ेगा घी, और फिर हम इसको पानी रखेंगे। थोड़े से गर्म होके ठीक है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बना रहे हैं लड्डू। इस लड्डू को हमने इसको शेप दी, शेप की शेप देखी हमने। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ऐसे रख दी, और उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे ऊपर से। हमारा बढ़िया लड्डू, ये देखिए यहाँ पर बना।